गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन आज का हमारा टॉपिक है लिवर सीरोसिस लिवर सीरोसिस क्या डिजीज होती है और क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं और ये किस ऑर्गेन को इफेक्ट करती है तो वो तो आपको टॉपिक से ही मालूम पड़ रहा होगा लिवर सीरोसिस का मतलब है लिवर में ही इन्फ्लामेशन होगा ठीक है और ये किस कंडीशन तक हो जाता है सीरोसिस क्या होता है कि सीरोसिस इसमें लिवर ज़्यादा डैमेज होने लगता है ठीक है लेवर सीरोसिस जो लेवर होता है हमारा मतलब ओवर एक तो देखो एक लिमिट होती है कि जहाँ से लेवर को रिकवर कर सकते हैं मतलब लेवर ऐसा ऑर्गेन होता है कि जो सेल्फ डेवलप हो जाता है जैसे कहीं भी लेवर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो मतलब अगर जैसे हल्का फुल्का है तो वो खुद से कवर हो जाता है और सीरोसिस की कंडीशन ये होती है कि मतलब लेवर ज्यादा मात्रा में डैमेज हो चुका है ठीक है तो वो क्या होता है लेवर सीरोसिस की कंडीशन हो जाती है देखो ये हमारा हेल्दी लिवर है हेल्दी लिवर का मतलब ये है कि हमारा लिवर प्रॉपरली वर्क कर रहा है लिवर इज प्रॉपरली वर्किंग मतलब वर्किंग कंडीशन में कोई कोई दिक्कत नहीं आप सही से डाइजेस्ट हो रहा है खाना वगैरह सब एब जॉब जो भी है वो सब क्लियरली इसका लिवर का क्या होता है डाइजेशन वगैरह वही सब मेनली इसका काम रहता है देन नेक्स्ट आता है हमारा फैटी लिवर फैटी लिवर का क्या मतलब होता है लेवर जो फैटी हो जाता है बढ़, बढ़ जाता है इसका साइज वगैरह बढ़ जाता है ठीक है और जैसे मतलब एल्कोहल वगैरह लेने लगो तो उस कंडीशन में भी फैटी लिवर के चांस रहते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज लिवर फाइब्रोसिस लिवर फाइब्रोसिस क्या होता है कि जो सीरोसिस से पहले की कंडीशन होती है इसमें लिवर डैमेज होता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में डैमेज नहीं होता फैटी लिवर में क्या होता है कि लिवर पर फैट बढ़ गया आपने ट्रीटमेंट वगैरह लिया तो रिकवर हो जाएगा नेक्स्ट आता है हमारा लिवर फाइब्रोसिस तो फाइब्रोसिस क्या होता है ये इसमें मतलब जो सीरोसिस की कंडीशन होती है सीरोसिस की ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है फाइब्रोसिस के क्या होता है कि इसमें लिवर डैमेज हो जाता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में डैमेज नहीं होता है ठीक शीरोस? है सीरोसिस सीरोसिस एक एक तरीके से ये मान लीजिए लिवर की लास्ट स्टेज होती है कि जहाँ से लिवर को ठीक नहीं कर सकते मतलब ये प्रॉपरली फिर ठीक नहीं हो सकता है लिवर सीरोसिस की कंडीशन रहती है जो हमारा फाइब्रोसिस है फाइब्रोसिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन इस कंडीशन में कवर होने के चांस रहते हैं मतलब ज्यादा कंडीशन देखो लेवर में अगर कहीं भी कोई इन्फेक्शन हुआ है तो कंडीशन तो हो ही जाती है मतलब खराब के जैसे लेवर में इन्फेक्शन है फैटी लेवर है तो लिवर प्रोपरली वर्क नहीं करेगा सीरोसिस में क्या होता है कि लिवर ब्लैक टाइप्स हो जाता है ये देखो सीरोसिस है हमारा इसमें क्या हो लेवर ब्लैक हो गया है और क्या है कि अब यह प्रोपरली वर्क नहीं करेगा और इसके रिकवर होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं कि मतलब जो लिवर सीरोसिस की कंडीशन है तो उसमें ठीक हो सकता है सीरोसिस क्या होता है मतलब एक जो कैंसर के टाइप का होता है ठीक है जो सीरोसिस होता है वो कैंसर टाइप से होता है और इसमें क्या होता है मतलब वो डेंजरस डिजीज हो जाती है ठीक है ये हमारा हो गया लिवर सीरोसिस का ओवरव्यू नेक्स्ट बने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हमारा क्या रहता है इट इज ए क्रॉनिक डिजीज इन विच देयर हैज बीन डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोटिक रीजनरेशन ऑफ हेपेटिक सेल्स ठीक है तो वही अभी बताया क्या होती है मतलब क्रोनिक मतलब, कंडीशन हो जाती है क्रोनिक डिजीज मतलब गंभीर बीमारी हो जाती है ठीक है और इसमें क्या होता है जो लिवर में हमारी सेल्स वगैरह होती हैं वो मतलब ज़्यादा डैमेज होने, होने लगती है बड़े पैमाने पर डैमेज होने लगती हैं जो लिवर सेल्स होती हैं ठीक है एज नेक्रोटिक टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाई फाइब्रोटिक टिश्यू नॉर्मल लिवर स्ट्रक्चर एंड वेस्कुलेचर इज एल्ट्रेटेड एम्पेरिंग ब्लड एंड ठीक है हाँ नेक्स्ट माने इट रिजल्ट इन हेपैटिक इन सफिशियंसी एंड पोर्टल हाइपर टेंशन देखो हिपैटिक कंडीशन हिपेटिक में भी क्या होती है कि मतलब लिवर में इन्फ्लामेशन होता है शीरो सबसे डेंजरस कंडीशन होती, होती है इसमें लिवर सेल्स जो वगैरह होती हैं कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादा पैमाने पर डैमेज होने लगती है डेफिनेशन ये ओवरव्यू हो गया इंट्रोडक्शन हो गया नेक्स्ट बने डेफिनेशन ऑफ लिवर सीरोसिस तो इसमें क्या होता है सीरोसिस ऑफ लिवर मतलब एक तरीके से ये मान लो कि लिवर में कैंसर हो गया ठीक है सीरोसिस ऑफ लिवर का मतलब होता है कि लिवर में कैंसर हो गया ये जे क्रॉनिक डिजीज मतलब क्रॉनिक क्या होती है सीवियर कंडीशन होती है ठीक है करेक्टराइड बाई रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल लिवर टिश्यू विद डिफ्यूज फाइब्रोसिस दैट डिस्टर्ब्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिवर आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेवर है इसमें देखो ये हमारा क्या है नॉर्मल लेवर है इसमें हमारा ये सेंट्रल बैन है लोब्यूल है और पोर्टल ट्रेल्ट है नेक्स्ट है ये हमारा सीरोसिस ऑफ द लेवर देखो एक नॉर्मल लेवर और सीरोसिस लेवर के डायग्राम के थ्रू ही आपको डिफरेंस दिख रहा होगा सीरोसिस लेवर क्या मतलब एक लेवर में कैंसर हो जाता है सीरोसिस लेवर की सेल्स की बात करते हैं इसमें देखो फाइब्रस सेप्टा है ठीक है फैटी सेल्स हैं और नेक्रोसिस है ये थ्रू स्ट्रक्चर अब क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे लिवर सीरोसिस को ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट्स एल्कोहलिक ठीक है पोस्ट नेक्रोटिक बाइलरी एंड कार्डियक दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर सीरोसिस अब देखो फोर टाइप से हमने क्लासिफाइड कर दिया उसमें अब बात करते हैं एल्कोहलिकोसिस की एल्कोहलिक सीरोसिस में हमारे क्या होता है मेन आर मोर लाइकली टू हैव एल्कोहलिक सीरोसिस मतलब जो लेवर में जो देखो एक तो ओवर डोज अगर आप एल्कोहल भी ले रहे हैं तो वो भी क्या होता है कि लेवर के लिए हानिकारिक होता है ठीक है लेवर को हार्म पहुंचाएगा जिससे लीवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा हमारी बॉडी पे हमारी बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है उसका फाइब्रस अकर्स मेनली अराउंड सेंट्रल वेंस एंड इट इज एसोसिएटेड विद क्रॉनिक एल्कोहलिक एब नॉडल्स फ्रोम रिजल्ट ऑफ सम एजेंट तो इसका मतलब एल्कोहलिक से अगर आपको बचना तो क्या होता है कि मतलब जो हम एल्कोहल वगैरा ले रहे हैं एल्कोहल वगैरा मतलब प्रोपरली अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट बनेज पोस्ट नेक्रोटिक पोस्ट नेक्रोटिक की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है मैक्रोडुलर सीरोसिस टॉक्सिन ट्यूड सीरोसिस मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड फॉर्म ये मतलब पोस्ट नेक्रोटिक ये मतलब मोस्टली ये वर्ल्ड वाइड मतलब होता है ब्रॉड ब्रॉडबैंड ऑफ स्केट टिश्यू कॉइड बाई पोस्ट एक्यूट वायरल बी और सी हेपेटाइटिस जो पोस्ट नेक्रोटिक होता है ये मतलब क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस मैंने आपको बताया था इसका कई क्लास हो चुके हैं रिलेटेड टू हेपेटाइटिस से जॉन्डिस वगैरह समथिंग पाँच छः क्लास ले चुके हैं ठीक है ठीके? अगर जैसे आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं तो उसमें भी हमने आपको कई बार बताया है हेपेटाइटिस क्या होता है हेपेट और आइटिस मीन्स इंफ्लामेशन ऑफ लिवर तो इसी में उसी की बात को रिक्वेड बाई पोस्ट कू वायरल बी और सी हेपेटाइटिस ठीक है तो हेपेटाइटिस क्या होता है कि मतलब लिवर में इंफ्लामेशन हो रहा है लिवर को इफेक्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? और जैसे यहाँ से टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हमारे कितने टाइप के होते हैं फाइव फाइव टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं ठीक है कौन कौन से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ए e. इसमें हमारा मोस्टली जो होता है हेपेटाइटिस बी और सी होता है ठीक है उसमें जो बी हमारा होता है नॉन क्यूरेबल होता है ठीक है एन सी नॉन क्यूरेबल और हेपेटाइटिस सी होता है और ये क्यूरेबल होता है मतलब इसका ठीक हो सकता है लेकिन ये नहीं कि हंड्रेड परसेंट ठीक हो ही जाएगा ठीक है वो डिपेंड ऑन वायरल लोड मतलब जो इफेक्ट हुआ है हमारा लेवर तो कितना हो चुका है उस पर डिपेंड करता है मोर कॉमन इन वुमेन मतलब ये पोस्ट नेक्रोटिक है मतलब हो सकता है लेडीज में ज्यादा रहे ठीक है नेक्स्ट वन इज वायलरी सीरोसिस वायलरी सीरोसिस की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है स्केरिंग अराउंड वाइल्ड एंड लिवर इट रिजल्ट फ्रॉम क्रॉनिक बाइलरी इंजरी ठीक है जो क्या होता है बाइलरी इंजरी हो जाता है एंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरफैटिक और एक्सटर फैटिक बाइलरी सिस्टम मतलब ये क्या होता है मेनली बाइलरी सीरोसिस जो हमारे बाइलरी होता है बाइलरी ऑर्गन वगैरह होता है क्या होता है उसी पर इफेक्ट करता है प्राइमरी बाइलरी सीरोसिस एंड प्राइमरी स्किल कॉलेंटिस एंड बाइलरी कॉज ऑफ शीरोसिस नेक्स्ट इज कार्डियोजेनिक सीरोसिस कार्डियोजेनिक सीरोसिस की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है इट इज रेयर मतलब ये जो है जो क्लासिफाइड हमने फोर टाइप से किया था तो उसमें कार्डियोजेनिक सीरोसिस होता है ये मतलब रेयर कंडीशन में ही है कि मतलब इस तरीके का इन्फेक्शन हो लेवर में ठीक है इट इज रेयर मतलब रेयरली कंडीशन में ही होगा इट इज ए क्रोनिक लिवर डिजीज है मतलब देखो भले ही ये मतलब रेयर कंडीशन में अगर जैसे हो रहा है तब भी ये क्रोनिक डिजीज है एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म सर्वर राइट साइडेड हार्ट फेल्योर इसमें क्या होता है मेनली जो हमारे राइट right हार्ट में राइट right साइड क्या होता है मतलब हार्ट फेल्योर हो जाता है फेल हो जाता है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं करेगा इट इज कॉइड बाई ए बी वॉल्व डिजीज कॉन्स्ट्रक्टिव पैराक्रेटिस अब हम बात करते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर मतलब जो हमारा लेवर सीरोसिस है वो किस तरीके से कॉज कर रहा है और क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं तो इसमें क्या होता है क्रॉनिक एल्कोहल एब्यूज क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस देखो क्रॉनिक एल्कोहल एब्यूज की बात करते हैं तो इसमें क्या है मतलब लेवर के लिए अगर आप ओवर डोज एल्कोहल ले रहे हैं तो उससे भी ये कंडीशन होती है ठीक है और क्या क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस अगर जैसे आप नहीं सही समय पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये क्या होता है कि मतलब वो वायरस होते हैं तो वो लिवर में बढ़ते जाते हैं और ये क्या होता है क्रोनिक कंडीशन हो जाती है और उस कंडीशन में वो, वो बाद में किस में बदल जाती है लिवर सीरोसिस में तो एक ये भी इसका फैक्टर होता है फैट एक्यूमेटिंग इन द लिवर फैटी लिवर डिजीज जो फैटी लिवर डीजिए जो भी बताया था ना लिवर पर फैट वग़ैरह बढ़ जाता है आयरन बिल्डअप इन द बॉडी हीमोक्रोमेटोसिस और क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस है कॉपर एक्यूमिनेटेड इन द लिवर ठीक है पुअरली फ्रॉम वाइल्ड और क्या होता है अल्फा अल्फाबन एंटीटैप्सन डेफिशियंसी ये हमारा हो गया कॉजिस एंड रिस्क फैक्टर इसमें और आगे हम बात करते हैं तो क्या रहता है एन डिसऑर्डर ऑफ शुगर मेटाबॉलिज्म जो क्या होता है मतलब गैलेक्टोसिमा एंड ग्लाइकोजन शुगर डिजीज ठीक है और हमारा क्या रहता है जेनेटिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ठीक है एलर्जिक सिंड्रोम बोलते हैं जैसे जेनेटिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को अगर जैसे कोई दूसरा नाम से आप बोलेंगे तो क्या होता है एलर्जिक सिंड्रोम और क्या होता है लिवर डिजीज कॉइडवाई बॉडी इम्यून सिस्टम देखो कोई भी अगर डिजीज होती है वो मेनली डिपेंड करता है आपकी इम्यून सिस्टम पे ज़्यादातर जितनी भी डिजीज है अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मतलब आप हो सकता है उसे कवर कर जाएं देखो लेबर डिजीज क्या है कॉइड बाई बॉडी इम्यून सिस्टम मतलब क्या है ऑटो इम्यून इम्यूनपेटाइटिस डिस्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट जो प्राइमरी बाइलरी बताया था आपको हेडरिंग एंड स्केरिंग ऑफ द डक्ट प्राइमरी स्किलरिंग क्लोजेंटिस होता है ठीक है इन्फेक्शन सच है सिप्लिस बर्सिलस सिप्लिस अब देखो सप्लिस यहां से आया ना सिप्लिस का अभी हम पिछली बार बता चुके हैं सिप्लिस और ये सिप्लेस का जो बैक्टीरिया जो किससे कॉज होता है बैक्टीरिया से ट्रिपेनोमा पैलिडम और क्या होता है मेडिकेशन इंक्लूडिंग मैथरऑक्साइड और आइसोनाइड मतलब तो तो देखो अगर आप ज्यादा मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हो ठीक है तो उस कंडीशन में भी लिवर पर इफेक्ट पड़ता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें हमारा कंपोन्सटेट की बात करते हैं तो क्या होता है इंटरमीडिएंट माइल्ड फीवर वेस्कुलर स्पाइडर है प्लामर एरिथमा ठीक है अनएक्सपेंड एपिस्टेक्सिस होता है एंकल एडमा है और क्या है बेज्यू मॉर्निंग इंडिकेशन फैटिलन डिस्पेजिया है एबडोमिनल पेन है तो ये सब क्या है इसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह हैं ठीक है मैंने स्पेस्टेशन मतलब क्या कंडीशन रहती है स्पलिनों है इन लार्ज मतलब क्या होता है लेवर का साइज बढ़ जाता है नेक्स्ट वन क्स्ट बनेटेट इसमें हमारा क्या होता है वीकनेस है, देखो भी भी क्या होता पीलिया और ये भी किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है यहां से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू से रिलेटेड वन लाइन क्वेश्चन कि जैसे जो है वो हमारा किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है या बिडाल है मलेरिया तो मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें हमारा जो जॉन्डिस है वो किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है लिवर को ठीक है वीकनेस वीकनेस जब आइए मान लीजिए आपका लिवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो सही से डायजेस्टिव वगैरह नहीं होता इससे क्या होता है हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है तो वीकनेस आएगी ठीक है मसल्स वेस्टिंग है वेट लॉस है और कंटिन्यूस माइल्ड फीवर है क्लाबिंग ऑफ फिंगर्स परप्यूरा ठीक है स्पोंडियस ब्रशिंग है एपिस्टेक्सिस है हाइपोटेंशन है स्पेरस बॉडी हेयर है वाइट नेल्स और गोंडल एट्रोफी ये इसके कंपोनेंट मतलब क्या इसके सिम्टम्स वगैरह हो सकते हैं ये हमारा क्या है बेस्कुलर स्पीडर नेक्स्ट हमारा एरिथमा ये इसके सिम्टम्स हो, इस हो जाते हैं इस तरीके से स्किन हो जाती है एक है डिफरेंट स्टेज ऑफ लिवर फेल्योर देखो तो डिफरेंट स्टेज ऑफ लिवर फेल्योर में हमने आपको बताया था जो हमारी लिवर सीरोसिस होती है वो एक तरीके से क्या होती है कैंसर कॉज करने लगता है लेवर ठीक है जो लेवर सीरोसिस होते हैं वहां से क्या होता है मतलब लेवर में कैंसर की शुरुआत हो जाती है लेवर में कैंसर टाइप का होने लगता है सेल्स बनने लगती हैं उसमें देखो ये हमारा क्या है हेल्दी लेवर फर्स्ट एज हेल्दी लेवर हेल्दी लेवर में मतलब कोई भी एब नॉर्मल नहीं है ना कोई इन्फ्लामेशन है ना फैटी लेवर है नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन हुआ है लेवर में ठीक है इन्फ्लामेशन के बाद जो हमारी स्टेज आती है इन्फ्लामेशन में ये होता है कि जैसे मान लो फैट वगैरह बढ़ गया फैटी लिवर वगैरह हो गया तो वो कंडीशन रहती है नेक्स्ट बने फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस जो होती है हमारी सीरोसिस से पहले की कंडीशन होती है ठीक है इसमें क्या होता है कि मतलब लिवर रिकवर कर सकते हैं ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ से ठीक होने के चांस रहते हैं नेक्स्ट बन हमारा आता है सीरोसिस सीरोसिस क्या होता है कि मतलब ये प्राइमरी स्टेज आप मान लीजिए कैंसर की कि मतलब हो सकता है कि लिवर में ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया हो ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो इसमें क्या है कि मतलब ट्रीटमेंट लेके आप उसे मतलब रोक सकते हैं बीमारी को लेकिन ठीक करने के चांस कम रहते हैं कि मतलब लिवर फिर प्रॉपरली वर्क करेगा ये होता है कि मतलब थोड़ा आराम मिलेगा आपको सीरोसिस की कंडीशन में अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं नेक्स्ट बने लिवर कैंसर लिवर कैंसर का मतलब ये मतलब लास्ट स्टेज वगैरह ही पे आ जाता है फिर एंड स्टेज हमारा क्या होता है लिवर डिजीज लिवर फेलर मतलब लिवर फिर वर्क नहीं करेगा डैमेज प्रोपरली डैमेज हो चुका होगा लिवर अब हम बात करते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की देखो असेसमेंट एंड डायग्नोसिस मतलब जैसे आपको लेवर का आइडेंटिफाई करना है कि लेवर हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कहीं भी कोई दिक्कत है तो आपके लिए एक देखो एक पैनल होता है लेवर फंक्शन टेस्ट एल ठीक है तो आप एल करा सकते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा उसमें ए AST, हमारा एस होता है एस होता है ए ठीक है ALP, देखो लेवर फंक्शन टेस्ट इसमें हमारा कौन कौन सा पैनल आता है ए एल पी शीरम एल्कलान फॉस्फेट है ठीक है ए एस टी है एस जी ओ टी है एस जी पी टी है ठीक है ये सब हमारा रहता है और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग है ठीक है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के थ्रू आप आइडेंटिफाई करा सकते हैं सि टी स्कैन है एम आर आई है और रेडियोस्टोपिक लिवर स्कैनस ये हमारा डायग्नोसिस हो गए कि मतलब इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करा सकते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट है ठीक है ये सब हो गया मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है मेडिकल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन presenting symptoms. Treatment includes addressed vitamins or nutritional supplements. Balanced diet, potassium sparing. During क्या होता है? Four S's. Abundance of alcohol. मतलब आपको alcohol वगैरह को तो आप avoid करना ही चाहिए क्योंकि ये मतलब alcohol क्या होता है? Liver को damage करता है, ठीक है? Colchicine में increase the length of survive in पेशेंट्स विद माइल्ड टू मॉडरेट सीरोसिस ये हमारी बात हो गई मेडिकल मैनेजमेंट हम आगे बात करते हैं एल्कोहलिक रिलेटेड लिवर डिजीज एल्कोहलिक रिलेटेड लिवर डिजीज का मतलब कि कौन सी डिजीज है कि जो मतलब लिवर से हो रही है ठीक है एल्कोहल से स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल रिकमेंडेशन फॉर एल्कोहल एडक्शन ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स मतलब देखो जो फैटी लिवर वगैरह है और भी कंडीशन हो जाती है लिवर में इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें जो एल्कोहल वगैरह होता है उसे अवॉइड करना चाहिए स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल है जो भी मतलब एल्कोहल वगैरह ले रहे हैं तो आप उसे रोक दें बंद करें अवॉइड करें हेपेटाइटिस बी और सी सीविरल अप्रूव्ड एंटीवायरल मेडिकेशन आर अवेलेबल टू ट्रीट हेपेटाइटिस टाइप मतलब हेपेटाइटिस बी और सी देखो ट्रीटमेंट तो है हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट तो है कवर कर सकते हैं आप लेकिन मतलब ये नहीं कि प्योर क्योर ही कर देंगे आप ठीक है हेपेटाइटिस सी है ये तो क्योरेबल है कि मतलब आप इसे ठीक कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी का डिपेंड करता है वन वायरल लोड पर ठीक है कि वायरल लोड कितना है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ठीक है नेक्स्ट वन इज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज तो इसमें हमारा क्या रहता मैनेजमेंट ऑफ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इंक्लूड्स लॉजिंग लूजिंग वेट फॉलोइंग ए हेल्थी डाइट गेटिंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड फॉलोइंग योर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर मैनेजिंग योर डायबिटीज इनहार्टेड लिवर डिजीज इन हाइटेड लिवर डिजीज की बात करते हैं तो उसमें हमारे क्या रहता है ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक एनहारे डिजीज ट्रीटमेंट आर एम्ड एट ट्रीटिंग सिम्टम्स एंड मीनिंग कॉम्प्लीकेशन ट्रीटिंग ऑफ अल्फा वन एंटीटेपन डिफिशेंसी में इंक्लूड मेडिसन टू रिड्यूस स्वेलिंग इन योर एबडोम एंड लैक्स आगे हम बात करते हैं ओटो इम्यून हेपेटाइटिस देखो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है ट्रीटमेंट इंक्लूड्स मेडिकेशन टू सपर्स योर इम्यून सिस्टम इससे मतलब आप ट्रीटमेंट वगैरह लेंगे तो इससे इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रोंग होगी डिजी दैट डैमेज और ब्लॉक बाइल डक्ट इन द लिबर इसमें क्या होता है ट्रीटमेंट इंक्लूड मेडिकेशन सच एज यूरोडोल क्या होता है एक्टिजोल और सर्जरी टू अपन नेर और ब्लॉक टू बाइल डक्ट। हार्ट फेल्योअर हार्ट फेल्योअर क्या होता है ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कज ऑफ स्टेज ऑन योर हार्ट कोलेस्ट्रोल रिमूव एक्सिस फ्लू एडिमा ठीक है फ्रॉम योर बॉडी टू इंप्रूव हार्ट पंप ब्लड और मॉनिटर हार्ट रेथम सर्जरी टू अनब्लॉक आर्टरीज ठीक है इसमें क्या होता है जो मतलब सर्जरी वगैरह करेंगे तो जिससे क्या होती है जो आर्टरी वगैरह ब्लॉक हो जाती है तो वो अनब्लॉक होंगे नेक्स्ट बने नर्सिंग मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है प्रोमोटिंग रेस्ट होता है और प्रोवाइडिंग स्किन केयर ठीक है प्रोमोटिंग रेस्ट में हमारा क्या होता है पोजिशन बेड फॉर मैग्जिमल रेस्पायरेटरी एफिशियंसी प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ नीडेड अच्छा तो मतलब अगर इसमें क्या है कि अगर ऑक्सीजन की नीडेड है तो आप प्रोवाइड करें इनटेट इफेक्ट टू प्रीवेंट रेस्पायरेटरी सर्कुलेटरी एंड वेस्कुलर डिस्टर्बन इनकरेज पेशेंट टू इनक्रेज एक्टिविटी ग्रेजुअली टू प्लान रेस्ट विद एक्टिविटी एंड माइल्ड एक्सरसाइज प्रोवाइड स्किन केयर की बात करते हैं इसमें हमारा क्या रहता है चेंज पेशेंट पोजिशन फ्रिक्वेंटली एवॉड यूजिंग एंटेटिंग सॉफ्ट एंड चीव टेप्स प्रोवाइड लोशन टू सुथ इंटेड स्किन टेक द मेजर टू प्रिवेंट पेसेंट फ्रॉम स्किनिंग द स्किन आगे हम बात करते हैं इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस की इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस इसमें हमारा क्या होता प्रोवाइड प्रोवाइड न्यूट्रिय हाई प्रोटीन ठीक है हाई प्रोटीन डाइट है सप्लीमेंट है और क्या होता है बाई कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड अदर इंक्लूडिंग ए विटामिन ए विटामिन सी एंड विटामिन के आगे हमारा क्या रहता है इनक्रेज पेशेंट टू ईट प्रोवाइड स्मॉल फ्रिक्वेंट नील्स कंसिडर्ड पेशेंट प्रेफरेंस एंड प्रोवाइड प्रोटीन सप्लीमेंट इफ इंडिकेट मतलब अगर इसका इंडिकेशन है तब नेक्स्ट हमारा क्या रहता है प्रोवाइड न्यूट्रंट बाई फीडिंग ट्यूब और टोटल पी एन एफ नीडेड नेक्स्ट वन हमारा क्या रहता है प्रोवाइड पेशेंट हुई स्टूल्स मतलब फैटी स्टूल्स मतलब इसे क्या बोलते हैं विद वाटर सॉलिबल फ्रॉम ऑफ फैट सॉलिबल विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड गिव फॉलिक एसिड एंड आयरन टू प्रिवेंट एनीमिया प्रोवाइड ए लो प्रोटीन डाइट टेम्परली इफ पेशेंट शो साइन एंड एम्पेंडिंग और एडवांसिंग कॉमा रेसिस्टेड सोडियम विफ नीडेड ठीक है ये बात हो गई हमारी इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस की उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इंजरी रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इंजरी की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है रिजल्ट लेस रेस्टलेस ठीक है ओरियंट टू टाइम प्लेस एंड प्रोसीजर टू मिनिमाइज एजेशन इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू आस्क फॉर असिस्टेंट टू गेट आउट ऑफ बीट नेक्स्ट हमारा क्या रहता है केयरफुली एवेल्यूट एनी इंजरी बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी इफ इंटरनल ब्लीडिंग मतलब अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स टू प्रीवेंट इंजरी और कट्स इलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रिक कट है ठीक है रेजर वगैरह है रेजर से हो जाता है और हमारा क्या है सॉफ्ट टूथब्रश ये का मतलब इसकी सेफ्टी रखना चाहिए अप्लाई प्रेशर टू बेनिंग पंक्चर साइड टू मिनिमाइज ब्लीडिंग ठीक है ये हमारा हो गया क्या हो गया रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इंजरी आगे हमारा क्या है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन इसमें हमारा रहता है मॉनिटर ऑफ ब्लीडिंग एंड हैमरेज मतलब जो हमारी ब्लीडिंग अगर ओवर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है ठीक है हेमरेज की कंडीशन है उसे क्या करना है मोनिटर करना है मोनिटर द पेशेंट एंड मेंटल स्टेटस क्लोज एंड एंड रिपोर्ट चेंजेस सो दैट ट्रीटमेंट ऑफ इंसेप्टिटी कैन बी एंटेड प्रोमली केयरफुली मोनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स आर एंड कैरियर इफ़ एबनॉर्मल ठीक है तो ये हमारा क्या होगा गया लिवर सीरोसिस से रिलेटेड जहाँ भी जो भी डिजीज है किस कंडीशन में होती है और क्या टेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से स्प्रेड होता है और क्लासीफिकेशन कितने टाइप से होता है तो वो सब हमने आपको इस वीडियो में बताया और कहीं भी रिलेटेड इस टॉपिक से आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू एनी क्वेश्चन प्लीज आज ऑन कमेंट सेक्शन आई गिव यू रिप्लाई थैंक यू